नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में नहीं बनी रही, क्योंकि सुबह सुबह कश्मीर में पत्थरबाजी हुई। नमाज पढ़ने के फौरन बाद वहाँ के जो कुछ दंगाई थे उन्होंने पत्थर उठाए और जितनी जो भी वहाँ पे फौज थी उनके ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। ये अक्सर क्यों देखा जाता है कि कश्मीर में कभी पत्थरबाजी हो रही है, कभी गोलियाँ चल रही हैं, कभी किसी जर्नलिस्ट को मार दिया जा रहा है। 70 साल हो गए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, कश्मीर को भी उसी वक्त आज़ादी मिली थी, तो ये आखिर मसला है क्या? हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा अगर किसी एक राज्य में जाता है तो वो है कश्मीर। हम आपको लिए चलते हैं उस दौर पर जब विभाजन हुआ था। विभाजन एक तर्ज पे हुआ था, यानी जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको हिंदुस्तान बना दिया जाए और जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं उसको हम पाकिस्तान बना देते हैं। तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, लेकिन जो वहाँ के राजा थे महाराजा हरी सिंह, उनका ये कहना था कि जो मेरी प्रजा है वो हिंदुस्तान में जाके मिलना, शामिल होना ज़्यादा बेहतर पसंद करती है। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, जनरल माउंटबेटन, उनके साथ एक जो संधि थी हिंदुस्तान से मिलने की, वो साइन करी गई और जो कश्मीर था वो हिंदुस्तान का अंग बन गया। तो इसको चैलेंज किया पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में ही। यानी पाकिस्तान का ये कहना था क्योंकि मुसलमान आबादी यहाँ पे ज़्यादा है तो कश्मीर भी पाकिस्तान के पास ही आना चाहिए। हिंदुस्तान का ये दावा था कि वहाँ के राजा ने संधि साइन कर दी है तो ये हिस्सा हमारा हुआ। क्या जो हमारा भारत का नक्शा है वो सही है? जो हमें एक अच्छी सी खूबसूरत शीश दिखाया जाता है, क्या वो हकीकत में हमारे पास है? ऐसा नहीं है। कश्मीर का सिर्फ 60% हिस्सा हमारे पास है और बाकी तमाम हिस्सा जो है या तो वो पाकिस्तान के पास है या फिर वो चाइना के पास है। जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है वो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, और जो हिस्से हमारे पास हैं उसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। उधर पाकिस्तान के पास 37,555 स्क्वायर किलोमीटर है और उसके पास 30%, कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये तीन जो जगह है ये पाकिस्तान के पास है। जो चाइना ने 62 में हमसे जंग लड़ी थी और बहुत ही बड़ा हिस्सा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कश्मीर का जो उसने ले लिया था वो भी 10% है, उसको अक्साई चिन कहते हैं, जिसका जो पूरा इलाका है वो है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप देखें, जो हमें नक्शा पढ़ाया जाता है स्कूल में या फिर जहाँ कहीं पे भी आप देखें, हकीकत में वो नक्शा है नहीं हमारे पास। ये सिर्फ हम दावा या फिर हम अपनी जंग लड़ रहे हैं मुँह ज़ुबानी कि हाँ ये जो हिस्सा है ये पूरा कश्मीर जो है ये हमारा है। आपके पास जो हिस्सा है वो सिर्फ एक सीमित हिस्सा है जो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो जाएँ जंग लड़ें या फिर UN में अपनी आवाज़ बुलंद करके उठाएं और अपनी जो ज़मीन है वो वापस लेने की कोशिश करें। 70 सालों में ऐसी कोई कोशिश हमें नज़र नहीं आती है। जहाँ पर 12% आबादी की जगह है, रहने की जगह है, वहाँ पर 55% आबादी बस चुकी है। कश्मीर का एक और मसला ये था कि जो कश्मीरी पंडित थे उनको मार के भगा दिया गया। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं अब वो जम्मू शिफ्ट हो चुके हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी ऐसी है कि वहाँ पर जो नौजवान है वहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा है नौजवानों का जो पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। एग्जामिनेशंस होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे से ये लोग पास हो जाते हैं, लेकिन जब ये बाहर जाके कम्पीट करने की कोशिश करते हैं कम्पीट नहीं कर पाते। यानी जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत नीचे है। इसके बाद अगर आप बात करें जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ का, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू एक अलग रीजन है, कश्मीर एक अलग रीजन है, इसको हमें समझना चाहिए। जो कश्मीर का लोकल आबादी है वो खुद का जो माइंडसेट है उसको बदलना ही नहीं चाहती है। वो आज भी 17वीं शताब्दी में रहती है, वो वहाँ से आज तक बाहर ही नहीं आ पाए हैं। जो उनका पहनावा है अगर वो भी देखें, फिरन और कंगरी, ये दो पहनावा है वो पहनते हैं आज भी, जो कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आया था। यानी ना वो अपने रहन सहन को बदलना चाहते हैं, ना ही वो अपनी कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप देखें पिछले 70 सालों में या फिर 100-150 सालों में उन्होंने अपना
कुछ भी नहीं बदला है। अगर वहाँ पे अगर आप सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी भी बहुत चंद रुपयों की मिलती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है। पूरा राज्य है जो कश्मीर जो रीजन है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल के एड्स पे जीता है, यानी जो केंद्र है वो जो भी वहाँ पे पैसा पहुँचाता है, मदद पहुँचाता है, उसी की वजह से पूरा का पूरा रीजन चल रहा है। उसके अलावा वहाँ पे किसी भी तरह की आमदनी नहीं है। इस पूरे मसले को अगर आप समझें, ना वहाँ पे इंडस्ट्री है, ना वहाँ पे एजुकेशन सही है, ना वहाँ पे नौकरियाँ हैं, और जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसको पाने के लिए भी बहुत धांधली है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है, यानी घूस देनी पड़ती है, ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो एक हिंदुस्तान और जो कश्मीर है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है जो कश्मीर, उसमें आज तक कभी दोस्ती हो ही नहीं पाई है। ना ही उन लोगों को उसकी वक़्त है जो हम उनको मदद पहुंचा रहे हैं, यानी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं हम लोग पूरे हिंदुस्तान के, हम लोग कश्मीर को जितना भी पैसा देते हैं उनको उसकी वक़्त ही नहीं है। सबसे पहले केंद्र को जो भी कश्मीर को एड पहुंचती है उसको बंद करना चाहिए, ताकि कश्मीरियों को ये समझ में आए कि हम इस तरह से पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं। जिस पे हम पत्थरबाजी कर रहे हैं वही लोग हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। जिस दिन केंद्र अपना ये हाथ खींच लेता है, कश्मीरियों को खुद ब खुद खाना कमाना और जीना आ जाएगा, क्योंकि आज जो कश्मीर है वो या तो जम्मू और लद्दाख और बाकी जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स का, इन्हीं तीनों जगहों से उसको पैसा आता है और वो अपना रहन सहन करते हैं। यानी हर जगह पे कश्मीरी होने के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कश्मीर को जीतने के लिए उनके दिल को जीतना बेहद ज़रूरी है, जो शायद हिंदुस्तान की सरकार यानी जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो जो भी सरकार थी 70 सालों में जितनी भी सरकारें आईं, उन लोगों ने उनका दिल नहीं जीता है। अगर हमें वहाँ पे कुछ अच्छा करना है तो वहाँ के एजुकेशन स्तर को बढ़ाना होगा, वहाँ पे नौकरियाँ पैदा करनी होंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को जाना बहुत ज़रूरी है। यकीन दिलाना पड़ेगा बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वहाँ पे आप सुरक्षित हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना होगा, जम्मू और लद्दाख को आप अलग करें, कश्मीर को आप अलग करें, और कश्मीर को एक इंडिपेंडेंटली खड़ा होने के लिए जो भी मदद वहाँ पे पहुँचनी चाहिए वो पहुँचनी ही चाहिए। जो एक साइकोलॉजिकल एक मैप बना रखा है हम लोगों ने हिंदुस्तान का, उसको सही करके दिखाएं। हम में से कई लोग डरते हैं, घबराते हैं उस नक्शे को ही अपनाने के लिए कि ये नक्शा हमारा ऐसा नहीं है। हकीकत ये है, इस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ चाइना को हटा दें तो एक त्रिकोण बन चुका है भारत का कश्मीर। कश्मीर के मसले को सीरियसली लें, अलगाववादियों से या फिर इधर उधर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको वहाँ से मार के भगाया गया था, उनको पुनर्स्थापित करना ही होगा। वो कश्मीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग रह चुके हैं, उन तमाम लोगों को वापस कश्मीर भेजें, कश्मीरियों के लिए वो तमाम चीज़ें करें जो जिस पे उनका हक है। हम टैक्स पेयर्स का जो इतना पैसा हम कश्मीर भेजते हैं उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उस दिन कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ईद जो अगली आएगी उसमें खुशहाली हो, मुस्कुराहट हो सबके चेहरे में, खीर जो है हम आपस में मिल बांट के खाएं, यही हम आशा करते हैं। बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।